अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल खाना दिल से बनाना। आज चलिए बनाने जा रहे हैं खजूर का लड्डू। बहुत ही टेस्टी, हेल्दी और फ़ायदेमंद लड्डू है और बहुत ही आसान सी रेसिपी है। आप इसको एक बार देखेंगी तो बहुत आसान लगेगी आपकी रेसिपी। तो चलिए देखते हैं कि कैसे बनाते हैं खजूर का लड्डू। बनाने के लिए सबसे पहले आप खजूर ले लीजिए। खजूर करीब आधा किलो हमने लिया है और उसके बीज निकाल ली है और उसको अच्छे से साफ़ कर लिया। और बाकी सब ड्राई फ्रूट्स ले लेने हैं, तो इतने से ताल मखाना ले लिया है। इतना सा आप चाहे जितना भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जितनी आपकी क्वांटिटी खजूर की रहेगी उसी हिसाब से सारे ड्राई फ्रूट्स लीजिएगा। ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए क्योंकि बाइंड करते वक्त फिर दिक्कत होगी। तो हमने यहाँ करीब 1 कप मेजर 1 कप के मेजरमेंट से ताल मखाना ले लिया है। और बाकी ड्राई फ्रूट्स जो भी आपके पास हो, आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल कर सकती हैं। तो ये पिस्ता है, अखरोट है, बादाम है, काजू और ये कद्दू की बीज है और किशमिश है और ये खसखस है। तो आप कोई एक छोटा सा बर्तन ले लें, उसी से सारी चीज़ को मेजरमेंट कर लें, नाप लें। और ये हमने कद्दूकश कर दिया था गरी को, एक छोटा सा टुकड़ा गरी का ले लिया था। तो सारे ड्राई फ्रूट्स जो भी आपके पास मौजूद हों, ज़रूरी नहीं है कि ये सारे ड्राई फ्रूट्स ही पड़ेंगे, जो भी आपके पास हों बस उसे ले लीजिए। और इन सबको अब कुछ नहीं करना है, इन सबको ये घी ले लीजिए। घी में थोड़ा सा घी डाल के हल्का सा फ्राई करना है सारे ड्राई फ्रूट्स को और फिर खजूर को करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करना है। फिर आपको क्या करना है, एक पैन चढ़ाइए गैस पे, गैस ऑन करिए और उसमें डालिए घी। थोड़ा थोड़ा करके आप घी डालिए क्योंकि सब चीज़ों को फ्राई करना है ना, तो अलग अलग कर लीजिए। तो अभी इसमें हम डाल रहे हैं काजू, बादाम, अखरोट, पिस्ता और ये कद्दूकश के बीज। इन सबको अच्छे से फ्राई कर लेना है। देखिए ये फ्राई हो गया है, बस इसको हल्का सा ही फ्राई करना है। अब देखिए इसमें जो है और घी है और इसमें थोड़ा सा और ऐड करेंगे। इसमें और ऐड करने के बाद हम इसमें डाल देंगे दाल मखाना, क्योंकि दाल मखाना घी ज़्यादा सोखता है। तो इसको आप इसको फ्राई कर लीजिए। फ्राई करते वक्त अपने गैस की जो है फ्लेम को मीडियम रखिएगा, नहीं तो ड्राई फ्रूट सब जलने लगेंगे। देखिए ये भी हो गया है, तो इसको भी आप निकाल लीजिए। इसी पैन में फिर से डालेंगे थोड़ा सा घी और फिर हमको तलना है अपना जो किशमिश हमने रखा था और गरी को। पहले किशमिश फ्राई कर लेंगे क्योंकि किशमिश थोड़ा फूलती है। इसको फ्राई कर लेंगे। ये किशमिश देखिए फूल गई है, अब इसको निकाल लेंगे। अब इसे घी में डाल देंगे ये कोकोनट कद्दूकश किया हुआ और ये खसखस। अब ये दोनों को अच्छे से कर लेते हैं फ्राई। इसको बहुत देर नहीं करना क्योंकि इसका कलर नहीं चेंज होने देना है। ये बहुत जल्दी इसका कलर चेंज हो जाता है फ्राई करने में। बस हल्का सा इसको फ्राई करके निकाल लेंगे। देखिए ये हो गया है, बस इसको निकाल लेते हैं। ड्राई फ्रूट्स अब हमने फ्राई कर लिया है, तो अब गैस को बंद कर देंगे और जो हमने ड्राई फ्रूट्स फ्राई करके रखा हुआ था तो इसको हमें कट करना है। तो इसको आप छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। जब तक ये देखिए कितने अच्छे से चॉप्ड हो गया है, कट कर दिया है छोटे छोटे टुकड़ों में। आप चाहें तो इसको एक दफ़े मिक्सी जार में भी डाल के चला सकती हैं। मेरे पास ये चॉपर था, हैंडी चॉपर, इसमें बहुत अच्छा सा हो जाता है छोटे छोटे पीस कट।
तो आप चाहे जैसे भी छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए सारे ड्राई फ्रूट्स के। तो ये जितने भी बड़े बड़े पीस वाले थे उसको हमने काट लिया है, और ये जो किशमिश को हमें कट नहीं करना था तो किशमिश को ऐसे ही मिला देंगे, और ये गरी और पोस्ता था जिसको फ्राई करके रखा था तो उसको भी आप इसमें मिला दीजिए। एक बड़े मिक्सिंग बोल को लेकर उसमें सारी चीज़ें ऐसे डाल दीजिए। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्या करना है। फिर हमको उसी पैन में, क्योंकि पैन में हमारे घी लगा हुआ है, सब चीज़ें हमने फ्राई की थी ड्राई फ्रूट्स वगैरह, तो उसमें थोड़ा सा आप घी और ऐड कर दीजिए, 1 टीस्पून। बस इसको घी इसमें डाल के अब हमें ये जो खजूर हमने बीज निकाल के रखा हुआ था, इसको सारे खजूर को, ये आधा किलो खजूर है, इसमें डाल के इसको भी ऐसे दबाते हुए फ्राई करना है ताकि इसका पेस्ट तैयार हो जाए। थोड़ा सा घी डालना होगा, ज़्यादा नहीं, और आप बस इसको 5 मिनट तक ऐसे ही करिएगा तो इसका पेस्ट बन जाएगा। आँच आपकी तेज़ी रहेगी, और जब आपका ये पेस्ट बनने लगेगा तो फिर गैस ऑफ कर दीजिएगा। देखिए खजूर पेस्ट की शक्ल में आ गया है, तो गैस को ऑफ कर दीजिए, क्योंकि पैन आपका काफ़ी गर्म है, उसी में ये थोड़ी देर आपको ऐसे ही चलाना होगा और अच्छे से इसको ऐसे दबा दबा के पेस्ट अच्छा स्मूथ बन जाएगा। देखिए पेस्ट बन गया है खजूर का, अब इसको हम निकालते हैं उसी मिक्सिंग बाउल में, इसको इसमें निकाल देना है। निकाल के इसमें और सारे ड्राई फ्रूट्स जो काट के भी रखे थे और सब फ्राई किया हुआ था, तो इसको सब में ऐसे ही आपको मिला देना है, क्योंकि अभी पेस्ट थोड़ा गर्म है, तो आप चम्मच की शायद वो ले लीजिए, हेल्प ले लीजिए, और खुद अच्छे से मिक्स हो जाए और थोड़ा सा पेस्ट ठंडा हो जाए, तो फिर हाथ से आपको थोड़ा सा हाथ पे चिकना लगा के और इसके लड्डू बनाना शुरू कर देंगे। देखिए हाथ से खूब अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है, ये कितनी आसानी से और कितना अच्छा तैयार हो गया है। अब हाथ को आप अपने साफ कर लीजिए और इसमें ऑयल लगा के और जितना बड़ा लड्डू चाहिए उतने बड़े लेके ऐसे बना लीजिए। देखिए कितना अच्छा और लड्डू बन गया है, इसे हाथ में लीजिए और ये लड्डू तैयार हो गया। तो कितनी आसानी से और कितना अच्छा लड्डू बनके तैयार हो गया। तो आप भी इसी तरह बनाइए और बच्चों को खिलाइए, बड़ों को खिलाइए, क्योंकि बच्चे जो हैं, आप चाहते हैं बच्चों को कि ड्राई फ्रूट्स भी खा लें, खजूर भी खा लें, तो वो सब एक साथ नहीं खाते हैं, बहुत नखरा करते हैं। तो अगर आप ये तरीका अपनाइए जो ड्राई फ्रूट्स भी हो और खजूर भी हो और सारे जो हैं उसकी ताकत एक लड्डू में आ जाए, तो कितनी अच्छी बात होगी। तो आप इस तरह का लड्डू बनाइए और खिलाइए उनको। चलिए इसी तरह के सारे लड्डू बना के तैयार कर लेते हैं। चलिए देखिए सारे लड्डू बनके तैयार हो गए हैं, और बहुत ही हेल्दी और टेस्टी लड्डू बना है। बस आपकी थोड़ी सी मेहनत और इतना मज़ेदार लड्डू बनके तैयार हो जाएगा। तो बस आप ये बनाइए और बताइए हमें कमेंट बॉक्स में कि कैसा लगा, अच्छा लगा कि कुछ कमी रह गई, तो ज़रूर बताइएगा। और हमारी वीडियो पसंद आए, रेसिपी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करिएगा। और जो फर्स्ट टाइम व्यूवर्स देख रहे हैं उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।